गिरी महाराज को अरेस्ट करने को और उनको अरेस्ट करके फांसी देने के बारे में क्या है। मैं आज यहाँ क्या अमी है, इन्होंने बोल को एक हफ्ता हुआ, बहुत से हिंदुस्तान में FIR इनके ऊपर दर्ज हुए, FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तक इनको हिरासत में नहीं ले। ये हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी के जानिब से खास गुजारिश है, आप सबके माध्यम से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उनको जल्द से जल्द हिरासत में ले, क्या फांसी की सजा इनको सुनाई जाए। स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जातिवाद पार्टियां इस देश को बांटने का काम कर रही हैं। पार्टी तो एक अलग है, लेकिन धर्म के नाम पर सियासत करने वाले कुछ स्वामी जैसे गुंडे, जो परसों नासिक में एक प्रोग्राम किया गया जिसमें रामगिरी महाराज एक स्वामी, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, कहता है कि हुजूर 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके रेपिस्ट के जैसे उनकी शान में गुस्ताखी किया है। मैं उसको ये चैलेंज करता हूँ, क्या वो इतिहास को सिर्फ 6 साल की बच्ची का इतिहास पढ़ा है, लेकिन हुजूर की इतिहास को अगर काट के वो पढ़ा तो मैं समझता हूँ कि वो स्वामी नहीं बल्कि मुसलमान होकर तब्दील हो जाएगा। हुजूर की अखलाक को अगर पेशनगोई देखी जाए पूरी दुनिया में, हुजूर के जैसे अखलाक किसी इंसान के नहीं है, और उन इंसान को वो उस पर तोहमत लगाता है स्वामी कि उसको सही तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक नहीं मालूम है। मैं समझता हूँ वो इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे स्वामी पर धिक्कार है हमारा और ऐसे स्वामी को सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और हिंदुस्तान भी एक ऐसा मुल्क है, यहाँ पर सिर्फ एक तरफ का सियासत ही की जाती है। आप देखिए सिर्फ एक अल्फाज कहने पर हमारे मुफ्ती अजहरी साहब को तुरंत उनको अरेस्ट किया गया, और एक स्वामी ऐसा है जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने के बाद पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसे एहतजाज हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसको अरेस्ट किया जाए, तो लगभग एक महीना पूरा मुकबिल हो गया, वो आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये दोगली सियासत को बंद करना चाहिए, दोगली सियासत से हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ ये स्वामी जी एक प्रोपेगेंडा लेकर चल रहा है, आने वाले महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन को रंग देने के लिए ये स्वामी अपना रंग इस्तेमाल करके पूरे देश हिंदुस्तान में एक खून को
आम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे स्वामी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। हमारी मांग यही है कि हम जिलाधिकारी के माध्यम से होते हुए हमारे देश के राष्ट्रपति को हम मेमोरेंडम दे रहे हैं कि उसको सब जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द उसको जितना जल्दी हो सके उसको सख्त से सख्त सजा देकर उसको फांसी की सजा देने की हमारी मांग रही है। क्यों बार बार देश में आए दिन ऐसे वारदात होते हैं, कहीं मस्जिद पर हमला होता है, कभी अजान को लेकर इश्यू बनाया जा रहा है, क्यों एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? जैसे कि आप जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। इस पार्टी में सबका साथ सबका विकास नहीं है, बल्कि हिंदू विकास हिंदू का ही विकास है। सबका साथ अगर होता तो मुसलमानों पर होने वाले इस घिलौनी हरकत के खिलाफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अल्फाज कहते। अगर स्वामी को एक बात वो कहते कि स्वामी ऐसी बात ना कहे, तो किसकी मजाल है कि प्रधानमंत्री की मुखालिफत में कोई जाए? प्रधानमंत्री खुलकर किसी के सामने बात करना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री दोगली सियासत करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, क्या मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते हैं? मुसलमानों पर होने वाले तमाम मुद्दे को लेकर देखिए, सी डबल ए पर मसले पर आया तो खामोश, ट्रिपल तलाक के मसले पर आया तो खामोश, हिजाब के मसले पर आया तो खामोश, बाबरी मस्जिद शहीद का मसला आया तो खामोश, दिल्ली की मस्जिद को शहीद करने का मसला आया तो खामोश, और ऐसे महाराज स्वामी जो है ऐसे हुजूर सल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं तो खामोश। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबका साथ सबका विकास कहाँ हो गया? ये एक तरफा ये रहने की वजह से इन लोगों की हिम्मत आ रही है, प्रधानमंत्री इनके पीछे हैं। अभी तक स्वामी जी को अरेस्ट नहीं किया है। वही तो मैं बता रहा हूँ, एक तरफ इनकी मोहब्बत है, हिंदू प्रधानमंत्री होने के बावजूद हिंदुओं की सुरक्षा कर रहा है। अगर मुसलमानों का भी साथ देना चाहिए प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू के प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं। इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ लोगों की हर बात को आप वो सुनना चाहिए, वो समझना चाहिए, ये नहीं कि एक तरफा सपोर्ट लेकर वो बात करना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कहे हमारे इस देश के पुलिस डिपार्टमेंट को कि फौरन उसको अरेस्ट किया जाए, क्या वो अरेस्ट नहीं करेंगे? खुलकर कहना नहीं चाहते प्रधानमंत्री साहब। आप कह रहे हैं कि इसमें राजकीय सियासत ही है इसमें सबसे ज्यादा। अब मैं तो कहता हूं कि महाराष्ट्र का इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले ये चिंगारी छिड़का रहे हैं स्वामी जी। अगर इस चिंगारी को भड़की तो वो उसमें फिर अब देखिए, कर्नाटका में इलेक्शन हुए, यहाँ पर उनका कुछ खेल नहीं चला। यहाँ की सेकुलर पार्टी जो मोहब्बत की दुकान चलाती है उसकी हुकूमत आ गई, लेकिन मोहब्बत की दुकान में भी नफरत नजर आ रही है। अब मोहब्बत की दुकान में भी देखिए आप, वो भी नफरत बांट रहे हैं। अगर मोहब्बत की दुकान होती, 88% मुसलमानों के वोट लेने के बावजूद क्यों वो मुसलमानों पर मोहब्बत आ नहीं रही उनको? सिर्फ दुकान में ही मोहब्बत लगती है, जब बेचने आते हैं तो वो भी नफरत बेचते हैं। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों पर नफरत बेचो, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों पर आप स्टेटमेंट दो, नहीं देंगे। अगर स्टेटमेंट देंगे तो हिंदू वोट उनसे चला जाएगा, ये भी दोगली सियासत कर रहे हैं। अब हम किसके सपोर्ट में खड़े होना चाहिए? एक तो अदलिया पर हमारा भरोसा था और पुलिस डिपार्टमेंट पर हमारा भरोसा है। हो सकता है इन लोगों ने अभी जो बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून को सामने रखकर अगर काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रामगिरी को भी अरेस्ट करेंगे, अगर किसी को भी कोई गलत करता है तो उसको भी अरेस्ट करेंगे। अगर वो अम्बेडकर साहब के कानून को नहीं मानते या तो जो मनुस्मृति है उसको मानना चाहते हैं तो वो रामगिरी को अरेस्ट नहीं करेंगे। एफआईआर हुआ, अरेस्ट कहाँ नहीं हुए? मुफ्ती अजहरी साहब को कहाँ अरेस्ट हुआ? एफआईआर हुआ घंटा, दो घंटे में उनको अरेस्ट किया गया। रामगिरी महाराज पर कितने एफआईआर हुए? एक एफआईआर नहीं बल्कि हजारों एफआईआर हो चुके हैं। हम भी एफआईआर करने वाले हैं उन पर, लेकिन हम भी एफआईआर करने के बाद अरेस्ट नहीं हुए तो फिर एफआईआर करने में मतलब क्या है? जैसे कि आपका रिएक्शन जो है, रामगिरी बाबा का एक बयान आता है, कानून सबके लिए, आप क्या करना है करिए, बल्कि एक आरोप ऐसा भाषण मिले, वही प्रधानमंत्री पीछे हैं उनके, किसकी मजाल? अगर मेरे पीछे भी कोई रहता तो मैं भी खुल के कुछ ना कुछ कहता। अगर उनके पीछे कोई है ऐसा, या तो सियासत पार्टी है या पुलिस डिपार्टमेंट उनके पीछे है, कोई उसके पीछे होगा। जब भी उनके पास ऐसी बातें आती हैं वो कहते हैं मैं तो बोल दिया हूं, मेरे पर जो करना है वो कर लीजिए। उन लोगों को मालूम नहीं, वो सही ढंग से शायद मेरे हिसाब से वो हिंदू की कहानी भी नहीं पढ़ते होंगे, उनकी कथा भी नहीं पढ़ते होंगे। राम लक्ष्मण की अगर इतिहास को भी पढ़ा जाए, राम लक्ष्मण का भी इतिहास भी पढ़ा जाए, तो राम की भी शादी जो हुई वो 6 साल पहले 6 साल की बच्ची के साथ ही हुई है, और लक्ष्मण की भी शादी भी जो सीता की जो बहन है उस बहन के साथ उसकी शादी हो गई, उनकी भी उम्र कम उम्र थी। अगर ये इतिहास पढ़ेंगे तो इन लोगों को भी पता चलेगा। एक तरफा कभी नहीं देखना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल नहीं है बल्कि 9 साल की उम्र के
जब लड़की थी उनके साथ निकाह हुआ, 9 साल की बच्ची का अगर निकाह मानते हैं तो 40 साल की औरत के साथ, एक बेवा के साथ शादी हुई, वो भी कहना चाहिए था ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या गलत किया है उन्होंने। दुनिया को ये बताना चाहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पेश करना चाहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे 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 अब देखिए, एक बूढ़ी औरत जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर रोज कचरा फेंकती थी। अब हमारा मिजाज ऐसा है कि एक गाल पर हमारे को चाट लगी तो हम दूसरे गाल पर मारने से पहले सामने वाले को अटैक करते हैं, लेकिन मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। लगातार वो कचरा फेंकती रही, लगातार कचरा फेंकती रही। जब एक दिन कचरा उस पर उन पर नहीं फेंका गया तो उसके पुरसाने हाल पूछने के लिए चले गए। ये है हमारे नबी के अखलाक। ये एक भी हिंदू स्वामी के ऐसे अखलाक दिखाई हमको जिस पर हम एतबार कर सकें। और आप देखिए रेपिस कर रहा है, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहबर मानते हैं। अरे वो रहबर हमारे हैं, आपके रहबर देखिए, बाबा आसाराम क्या रहबर हैं आपके, राम रहीम आपके रहबर हैं। गूगल में हम सर्च करेंगे तो अत्याचारी के लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप लिस्ट में देखेंगे, आप नाम निकाल कर देखिए, सबसे ज्यादा तो हिंदू स्वामी रेपिस्ट निकलते हैं। क्या इनको आप रहबर मानते हैं? ये अखलाक पेश करने वाले को रहबर मानते हैं। ये सब हम लोगों को बड़ी चिंताजनक आपत्ति है हम लोगों को। अब बहुत सोच समझ कर इस देश में हम सबको रहना है, प्यार मोहब्बत के साथ बसना है। ऐसे स्वामियों को सबसे ज्यादा अगर अरेस्ट करेंगे, उन पर सजा होगी, तो आने वाले स्वामी भी सोच समझ कर बात कहेंगे। मैं कहता हूं, सरकार से निवेदन करता हूं, और आपके माध्यम से, डीसी साहब के माध्यम से, हमारे इस देश के राष्ट्रपति से मैं निवेदन करता हूं और गुजारिश करते हैं हम लोग कि सख्त से सख्त स्वामी पर कार्रवाई की जाए और उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, और हो सके तो इस देश में सुकून बरकरार करने के लिए उस स्वामी को फांसी की सजा देनी चाहिए। मैं अल्लाह बख्श बीजापुर, जिला सदर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, विजयपुर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। आज शहर बीजापुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज एक प्रोटेस्ट रखा गया था, जो मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी किया है एक रामगिरी स्वामी ने, जो मेरे नबी के शान में गुस्ताखी किया है। इस सिलसिले में जो है आज डीसी साहब के दफ्तर में हमें क्या है, हमारे पार्टी के जानिब से शहर बीजापुर में डीसी साहब को एक मेमोरेंडम दिया है। मेमोरेंडम इस बात को दिए हैं कि उस रामगिरी स्वामी को जो है जल्द से जल्द हिरासत में लेके जो है इसको फांसी की सजा सुनाना चाहिए। और जो हमारे एक मुफ्ती सलमान अजरी साहब जो हैं, एक इनो स्पीच देने के बाद फौरन 2 घंटे में इनको अरेस्ट किया था। आज ये जो स्वामी जो अपनी जबान से जो ये स्पीच दी देने के बाद भी इनके ऊपर FIR, बहुत से FIR दर्ज होने के बाद भी हिंदुस्तान में क्या है, इनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। इनको जल्द से जल्द हिरासत में लेना चाहिए। बाद में क्या है, मैं ये उम्मीद करता हूँ डीसी साहब से और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से और हमारे तमाम डिपार्टमेंट वालों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा ये मांग क्या है पूरी इनो करने की हमारी पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा उम्मीद भी है। और ये जो स्वामी है इसको जल्द से जल्द हिरासत में लेकर जो है इसको फांसी की सजा सुनाने की हमारी ये मांग है। आज हमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से शहर बीजापुर के डीसी साहब के दफ्तर में एक मनवी पत्र हमें क्या है डीसी साहब को दे, वो रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने को और उनको अरेस्ट करके फांसी देने के बारे में क्या है, मैं आज यहाँ का मेमोरेंडम दे। इनको अरेस्ट करने के बाद जैसा वो सलमान अजहरी साहब को जो 2 घंटे में अरेस्ट कर रहे थे स्पीच देने के बाद है, वैसा ये जो स्वामी है इन्हों बोल को एक हफ्ता हुआ, बहुत से हिंदुस्तान में FIR इनके ऊपर दर्ज हुए, FIR दर्ज होने के बाद भी अभी तक इनको हिरासत में नहीं ले। ये हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी के जानिब से खास गुजारिश है, आप सबके माध्यम से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ उनको जल्द से जल्द हिरासत में लेको, क्या फांसी की सजा इनको सुनाई जाए। अगर अरेस्ट नहीं करेंगे इनको तो इससे बड़ा क्या है, हमें बीजापुर में प्रोटेस्ट करने की, ये हमारी क्या प्रोटेस्ट हमें इससे बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम जुबेर दफेदार, AIMIM यूथ लीडर बीजापुर। जिंदाबाद।
जिंदाबाद, एम आई एम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एम आई एम जिंदाबाद। रामगिरी महाराज को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रामगिरी महाराज को फांसी दो, फांसी दो। रामगिरी महाराज को फांसी दो, फांसी दो। रामगिरी महाराज को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। रामगिरी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रामगिरी महाराज को फांसी दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, एम आई एम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एम आई एम जिंदाबाद। फांसी दो, फांसी दो। रामगिरी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। रामगिरी को फांसी दो। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.